गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन. देख पा रहे होंगे. और इससे पहले आप लोग का जो फ्रैक्शन का चैप्टर की पढ़ाई हो रहा था वो इनकम्प्लीट रह गया थोड़ा सा, उसके लिए मुझे भी खेद है. बट इसका मेन वजह समर वेकेशन रहा, जो कि टाइम से स्कूल जो फर्स्ट में ड्यूरेशन डिसाइड किया गया था वो शायद उस टाइम पे खुल नहीं और रीओपन नहीं हो पाने की वजह से इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आप लोग को. तो अभी जो हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और चैप्टर नंबर 4 इज द सिलेबस ऑफ जून मंथ. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन. द फर्स्ट इज कॉलम एडिशन एंड द सेकेंड थिंग्स इज रॉ एडिशन. जनरली तौर पर हम लोग कॉलम एडिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेट जो होता है कॉलम फॉर्मेट में अरेंज किया रहता है, और रॉ वाला फॉर्मेट वाले फॉर्मेट में अरेंज किया रहता है रॉ एडिशन वाले. तो सबसे पहले रॉ जो कॉलम एडिशन है, कॉलम एडिशन देर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉलम एडिशन. द फर्स्ट इज विदाउट कैरी और द सेकेंड थिंग्स इज विथ कैरी. तो सबसे पहले हम लोग कॉलम एडिशन में विदाउट कैरी वाले फॉर्मेट को देखते हैं. यहाँ पर देख रहे होंगे विदाउट कैरी. मैंने अभी जैसे बताया था आप लोग को पहले कि इसे कॉलम एडिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है अरेंजिंग का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये कॉलम प्रोसेस में ऐड किया रहता है, इस वजह से इसे कॉलम एडिशन कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं 8+1 हाउ मैनी 9, 0+8 इज इक्वल टू 8, 6+1 इज इक्वल टू 7, 2+2 इज इक्वल टू 4 एंड 4+3 इज इक्वल टू 7, लास्ट 3+4 7. ये आप लोग बेसिक जो कि 3 क्लास में भी पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आज ऐसा प्रॉब्लम हुआ. और नीचे देखेंगे कि विदाउट कैरी वाले जो फॉर्मेट होता है उसमें भी अरेंजिंग का तरीका डिफरेंट होता है, यानी अरेंजिंग वे जो होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है वो 6 डिजिट का नंबर है, नीचे भी 6 डिजिट का नंबर है, बट नीचे जो अरेंजिंग फॉर्मेट है वो 4 डिजिट का नंबर है. तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट आपको फ्रंट प्लेस जो होता है उसे ऐड करने पे ध्यान देना है. जैसे देखो यहाँ पे 1+6 7, 7+2 हाउ मैनी 9, नेक्स्ट है 0+4 4, 4+3 इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट देखेंगे 2+1 3, 3+2 5, नेक्स्ट है 5+3 8, 8+1 9, नेक्स्ट है 6+2 8 एंड 3+4 7. तो ये इस तरह से एडिशन किया जाता है. आप लोग के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी हैं, उसे आप पहले कोशिश करेंगे फर्स्ट डे में स्टार्ट करने का इस तरह से. और लास्ट में जब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसका फॉर्मेट एक इंसर्टिंग फॉर्मेट होता है. इंसर्टिंग फॉर्मेट कहने का मतलब ये होता है कि ये जो प्लेस जो बॉक्स गिवेन है, ये बॉक्स वाला प्रोसेस जो डिजिट गिवेन है ये आपका ब्लैंक रहेगा बुक में. आप इसे खुद से इसको सोच कर बनाना है. अब देखेंगे पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर देखिए 0 और 0+2, जिस प्लेस पे पहले डिजिट दिया हुआ है आप उसे ऐड करेंगे 0+2 2. अब यहाँ पे जो सम गिवन है वो कितना गिवन है इसका, इस प्लेस का सम गिवन है 5, तो 0+2 2, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, यानी 3, 0+2 2+3 इक्वल टू 5. नेक्स्ट देखिए 4+3 7, 7+1 8, जो कि यहाँ पर सम 8 लिखा हुआ है ऑलरेडी. नेक्स्ट देखिए 6, और इस प्लेस में इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, इस प्लेस में आपका बुक में भी इंसर्टिंग रहेगा, बस आपको जिस प्लेस का नंबर या डिजिट गिवन है आप उसे ऐड करने की कोशिश करें. 6+1 7 7, और यहाँ पे सम कितना है 9, यानी 6+1 7, इस प्लेस पे ये जो प्लेस गिवन है इस प्लेस पे क्या राइट करें, या 9 आता है इसका सम, तो आपको यहाँ पे 2 राइट करेंगे, तो 6+1 7 7 2 9 सम आएगा. नेक्स्ट देखेंगे 2+5 7 7+1 8, और लास्ट में 8+1 9+0 9. तो इस तरह से आपको इसको अरेंज करना होता है. बस आज के लिए इतना ही टॉपिक होगा, कल की क्लासेस जो होगा वो बिल्कुल कंटिन्यू होगा. आई होप कि आप समझ पाए होंगे. थैंक यू वेरी मच.